अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइव स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपके पास आज दोबारा हाजिर हुए हैं। एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त केस है, ये हमारा बड़ा प्राइम जानवर है, ए प्लस जानवर है, इसकी गिल्टी निकल आई है। नीचे पाँव के ऊपर जो हम आपको दिखाते हैं, डॉक्टर तहजीब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, की वजह की हुई है गिल्टी की? सर, आयोडीन की कमी की वजह जानवर के मुख्य जिसम के हिस्सों से ना गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आप ही उस किस्म की गिल्टी है जी। अच्छा, अगर असी जानवर नमक इस्तेमाल कराना शुरू कर दिए ना आयोडीन वाला, जी जी, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा ख्याल है कि सिर्फ आयोडीन वाले नमक का मसला है? हाँ जी, आयोडीन की कमी हो जाएगी। अच्छा, इनू कोई चीरा देने की या करने की जरूरत नहीं है? नहीं। ठीक है व्यूअर्स, आपने ये देखा कि ये अगर इस तरह की गिल्टी आपके जानवर के ऊपर निकलती है तो इसको चीरा देने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आयोडीन की कमी है। तो ये हमारे दो तीन जानवरों को ये मसला हुआ तो डॉक्टर साहब को हमने बुलाया, डॉक्टर साहब ने दिखाया और ये हमारे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप देखें अपने जानवरों को इस तरह की गिल्टियाँ, तो आपके खाने में इनके खाने में आयोडीन की कमी है, तो वो आप पूरी कर दें तो ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।